नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कल्पना। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं महानगर की खबरों की ओर। राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी, गुस्साए आदिवासियों ने तृणमूल मंत्री की गाड़ी रोकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई विवादित टिप्पणी का मामला तुल पकड़ते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी के बयान का विरोध कर रही है। देखिए, हिंदुस्तान की जो राष्ट्रपति ये सर्वोच्च पद पर आसीन होती है और हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी के खिलाफ किसी तरह बेतुकी बातें हम सबके लिए शर्मिंदगी की बात है और साथ साथ सर्वोच्च पद की मर्यादा को क्षुण्ण करते हैं ये बात। बांसबेड़िया नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 के दासपाड़ा इलाके में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष की गर्भवती बेटी के पेट में लात मारने तथा उसके पिता का सिर फोड़ देने का आरोप उसके पड़ोसी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक पर लगा है। घायल अवस्था में दोनों को चूचड़ा के इमामबाड़ा सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हुगली जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अमनदीप सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस तत्काल पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया और चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो घटना घटते সেটা আমি একদমই সমর্থন করি না, যেহেতু মানুষ এখানে কোনো পার্টি এখানে কোনো রং নেই আমার কাছে, কারণ যারা মানুষ প্রকৃত মানুষ হবে তারা এটা দেখবে না। এটা পাড়ায় কল নিয়ে কলের চাতাল নিয়ে কলপাল নিয়ে আর কি একটা ঘটনা হয়েছে, যেটা শুনলাম ওদের মধ্যে একটু গন্ডগোল হয়েছে পাশাপাশি বাড়ির পরিবারের, এইটাই আর কি। তাতে আর কি ওদের মধ্যে মারামারি হয়েছে, তা পুলিশও এসেছিল, পুলিশ এসে তুলেও নিয়ে গেছে যারা মেরেছে, আর যাদেরকে মেরেছে আমি তাদেরকে তাদের বলবো যে যারা মেরেছে তাদেরকে আমি বলবো যে খুব অন্যায় করেছে, খুব অন্যায় করেছে, বিশাল অন্যায় করেছে, আমি এটাকে একদম সমর্থন করি না। मुर्शिदाबाद के फरक्का थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सड़क के किनारे से एक बाल्टी बम बरामद किया है। रविवार की सुबह इस घटना से मुर्शिदाबाद के फरक्का के झोर पुकुरिया इलाके में काफी सनसनी मच गई है। हल्दिया फरक्का बादशाही रोड के सुधार की मांग को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने आज पदयात्रा निकाली। रविवार को बहरमपुर सांसद व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में मुर्शिदाबाद जिले के कांदी उपजिला के बरनिया थाना अंतर्गत कुली चौरस्ता चौराहे से शुरू होकर हल्दिया फरक्का बादशाही मार्ग को सुधारने की मांग को लेकर मार्च निकाला गया। आंदोलन साधारण मानुषेर हाथियार आंदोलन संस्कार करते हैं सरकार दायित्व। এটা চালু রাস্তা বাদশাহী রোড, লক্ষ লক্ষ মানুষ যাতায়াত করে, হাজার হাজার গাড়ি যাতায়াত করে। नंदीग्राम में हुए शहीद दिवस को लेकर तनाव, आगजनी और हत्या के प्रयास के आरोप के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी समेत नंदीग्राम के 22 भाजपा नेताओं के खिलाफ हत्या के प्रयास के लिए उकसाने समेत कई धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। महानगर में आज से तापमान में गिरावट आएगी। कोलकाता में 3 तथा जिलों में 5 डिग्री तक तापमान में आएगी गिरावट। इसी के साथ महानगर समेत बंगाल में सुहावनी ठंड की अनुभूति होगी। अलीपुर मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार से कोलकाता का तापमान 18 डिग्री तक जाएगा तथा जिलों के साथ पुरुलिया का तापमान 15 डिग्री तक पहुँच जाएगा। देश और विदेश से जुड़ी खबरों पर एक नजर। अमेरिका में एयर शो के दौरान प्लेन टकराए, जमीन पर गिरते ही ब्लास्ट, 6 लोगों की मौत। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।